हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इफ़ेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट्स। प्रकाश का प्लांट्स की ग्रोथ पे, उनके डेवलपमेंट पे और उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या असर पड़ता है उसका, वो अपन डिस्कस करेंगे। विभिन्न प्रकार के जलवायु कारकों में प्रकाश जो है विश्व में समस्त जीवधारियों की जीवनचर्या में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि विभिन्न सजीवों को महत्वपूर्ण जैव क्रियाएं प्रकाश के द्वारा प्रभावित एवं नियंत्रित होती हैं। पेड़ पौधों की अनेक महत्वपूर्ण क्रियाएं प्रकाश की तीव्रता एवं अवधि के द्वारा प्रभावित होती हैं। सूर्य प्रकाश का प्रमुख स्रोत है तथा यहाँ ऊर्जा का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। अगर हम ये देखें कि पेड़ पौधों की अनेक महत्वपूर्ण जैविक क्रियाओं को प्रकाश प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, अतः पौधों के ऊपर प्रकाश के प्रभाव का अध्ययन जो है हम इन हेड्स पे कर सकते हैं। सबसे पहला जो है प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन, पृथ्वी पर पादप का वितरण। हम भलीभांति जानते हैं कि प्रकाश की तीव्रता भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है तथा इसके बाद जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं तो प्रकाश की तीव्रता भी धीरे धीरे कम होती जाती है। दोनों ध्रुवों पर प्रकाश की तीव्रता सबसे कम होती है। प्रकाश की तीव्रता में यह परिवर्तन विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पादप वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करता है। भूमध्य रेखा या उष्णकटिबंधीय प्रदेशों की वनस्पति अन्य क्षेत्रों विशेषकर समशीतोष्ण एवं ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में पूरी तरह अलग प्रकार की होती है। यही नहीं, प्रकाश की तीव्रता के आधार पर इन क्षेत्रों के तापक्रम में भी परिवर्तन देखा जा सकता है। नेक्स्ट जो है इट इज़ वाष्पोत्सर्जन क्रिया पर प्रभाव या इफेक्ट ऑन ट्रांसपिरेशन। प्रकाश की तीव्रता एवं गुणवत्ता पौधों की वाष्पोत्सर्जन क्रिया को अत्यधिक प्रभावित करती है। पत्तियां जैसे ही प्रकाश को ग्रहण करती हैं तो उनके तापमान में वृद्धि होती है। इस वजह से वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ जाती है, क्योंकि इसके साथ ही पर्णद्योतक लीफ मेसोफिल के तापमान में भी वृद्धि होती है। इसके विपरीत जब प्रकाश की तीव्रता घटती है तो पत्ती के तापमान में भी कमी आती है एवं वाष्पोत्सर्जन की दर में भी गिरावट अंकित की जाती है। प्रकाश की उपस्थिति के कारण स्टोमेटा खुल जाते हैं। ये बहुत कॉमन फैक्टर, हम सब जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में जो स्टोमेटा हैं वो खुल जाते हैं और इससे वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। तो इसका मतलब यह है कि अगर लाइट ज़्यादा है तो वाष्पोत्सर्जन की रेट भी ज़्यादा हो जाती है। इसके अतिरिक्त तापक्रम में वृद्धि के कारण पत्तियों की जो क्यूटिकल से भी वाष्पोत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि प्रकाश से टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर के कारण जो पत्तियों में क्यूटिकल है वहाँ से भी वाष्पोत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। इसके साथ ही अधिक मात्रा में वाष्पोत्सर्जन होने से पौधे की जल संबंधी आवश्यकताओं में वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण भी तेज़ी से होता है एवं इसके रसारोहण या एसेंट ऑफ सैप की प्रक्रिया में भी तीव्रता आती है। पादप कार्य के विज्ञानियों द्वारा, प्लांट फिजियोलॉजिस्ट के द्वारा, प्रायः पौधों में वाष्पोत्सर्जन एवं जल अवशोषण की दर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। मतलब यह है कि जैसे जैसे वाष्पोत्सर्जन का रेट होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन रेट। फोटोसिंथेसिस और क्लोरोफिल फॉर्मेशन पर प्रभाव प्रकाश का। सूर्य के प्रकाश में एक प्रिकर्सर प्रोटोक्लोरोफिल के द्वारा पत्तियों व कोमल शाखाओं में क्लोरोफिल का निर्माण होता है। प्रोटोक्लोरोफिल एक पीले रंग का पदार्थ होता है, इसलिए यदि नव विकसित पत्तियों या कोपलों को सूर्य का प्रकाश उपलब्ध नहीं हो तो ये पांडुरित या पीली रह जाती हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रोटोक्लोरोफिल क्लोरोफिल में रूपांतरित नहीं हो पाता है। इसलिए हम सब जानते हैं कि अगर यंग सीडलिंग्स हैं, जो लीव्स हैं बडिंग के टाइम पर, अगर वो येलो होती हैं और क्योंकि उसमें क्लोरोफिल डेवलप नहीं हो पाता है और इनको अगर लाइट में नहीं रखा जाए तो ये पीली ही रह जाती हैं और इनमें क्लोरोफिल नहीं बनता है। इस प्रक्रिया को एटियोलेशन कहते हैं।
इस प्रक्रिया को, अगर पीली पत्तियाँ पीली हो जाएं तो इनको हम पांडुरता या इटियोलेशन कहते हैं। यद्यपि कुछ पादप समूहों जैसे शैवाल, प्रायोफाइट्स एवं फर्न इत्यादि के कुछ सदस्य अंधेरे में भी क्लोरोफिल का संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं, फिर भी अधिकांश पौधों में क्लोरोफिल निर्माण के लिए प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक होती है। यही नहीं, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट की आंतरिक संरचनाओं अर्थात ग्रेना में भली भांति क्लोरोफिल अणुओं के व्यवस्थित होने के लिए भी प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक है। क्लोरोफिल संश्लेषण के अतिरिक्त विभिन्न पौधों में संपन्न प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंतर्गत प्रकाशी अभिक्रिया में होने वाले प्रकाश फॉस्फेटीकरण या फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी प्रकाश की उपस्थिति एवं गुणवत्ता का विशेष योगदान होता है। तो क्लोरोफिल सिंथेसिस के अलावा फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी लाइट का जो है, लाइट प्रेजेंस ऑफ लाइट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन में उपलब्ध प्रकाशीय ऊर्जा के आधार पर ही ऊर्जा बहुल यौगिक ATP का निर्माण एवं जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन का निष्क्रमण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बोहाइड्रेट्स में स्थिरीकरण के लिए NADPH2 नामक उपापचयी पदार्थ बनता है। नेक्स्ट इफेक्ट ऑन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। दिन के समय डे टाइम में अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में प्रायः पौधों के पर्णरंध्र खुल जाते हैं एवं रात्रि के समय अर्थात प्रकाश की अनुपस्थिति में बंद हो जाते हैं। ये हम सब अपन जाते हैं कि एक कॉमन फीचर है ये कि डे टाइम में जो स्टोमेटा हैं वो अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में प्रायः पौधों के जो स्टोमेटा है खुल जाते हैं एवं नाइट में या एब्सेंस ऑफ लाइट में स्टोमेटा जो है वो बंद हो जाते हैं। इस प्रकार प्रकाश की उपलब्धता के अनुसार स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने से पौधों की वाष्पोत्सर्जन एवं अवशोषण क्रियाएं अत्यधिक प्रभावित होती हैं। इसी प्रकार क्या होता है, प्रकाश की उपलब्धता के अनुसार, अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट के अनुसार जो है ट्रांसपिरेशन भी होता है, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के कारण ट्रांसपिरेशन इफेक्टेड होता है और उसके कारण जो एब्जॉर्प्शन है वो भी इफेक्टेड होता है। फिर रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश की उपस्थिति पेड़ पौधों एवं जंतुओं में श्वसन क्रिया को भी प्रभावित करती हैं, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में कोशिकाओं में उपस्थित रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यौगिकों की मात्रा बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप श्वसन क्रिया तेज़ी से होने लगती है। नाउ इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ के ऊपर इसका इफेक्ट। प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण जैसी अति महत्वपूर्ण क्रियाएं पौधों में संपन्न होती हैं, जिसके कारण पौधों में भोज्य पदार्थों का निर्माण अत्यधिक मात्रा में होता है। ये जो है भोजन में, भोजन पदार्थों का जो निर्माण होता है वो भी लाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। पोषक पदार्थों की जितनी अधिक मात्रा पादप शरीर में उपलब्ध होगी तो पौधों की वृद्धि दर भी उतनी ही अधिक होगी। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रकाश की उपस्थिति अप्रत्यक्ष रूप से पौधों की वृद्धि को भी प्रभावित करती है। वैसे प्रकाश की अधिक तीव्रता में हालांकि पौधों की वृद्धि दर कम हो जाती है, लेकिन पौधे हष्टपुष्ट होते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए लाल रंग का प्रकाश सर्वाधिक उपयुक्त होता है। इसके अतिरिक्त प्रकाश की उपस्थिति में तीव्रता पौधों में वृद्धि हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स के निर्माण एवं वितरण, फ्लावर हार्मोन्स या फ्लोरेजेंस के निर्माण तथा विभिन्न बीजों के अंकुरण को भी प्रभावित करती हैं। प्रकाश की जो प्रेजेंस है वो ग्रोथ हार्मोन्स के निर्माण में, दूसरा फ्लोरेजेंस के निर्माण में और विभिन्न बीजों के जर्मिनेशन को भी प्रभावित करती हैं।
लाइट एंड प्लांट मूवमेंट्स, प्लांट मूवमेंट्स की अगर बात करते हैं, कुछ पौधों में एवं इनके कुछ विशिष्ट पादप भागों में गतिशीलता प्रकाश की उपस्थिति के द्वारा प्रभावित होती है। जो मूवमेंट्स हैं जो वो प्रकाश की तीव्रता के कारण प्रभावित होती हैं, जैसे पौधे में प्ररोह की वृद्धि सदैव प्रकाश की ओर एवं जड़ की वृद्धि प्रकाश से दूर दिशा में अग्रसर होती है। हम सब जानते हैं पौधों में जो जड़ जो है वृद्धि प्रकाश से दूर की दिशा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होता है, अग्रसर होती है, रूट्स जो है प्रकाश के अगेंस्ट जाता है। प्रकाश के द्वारा प्रभावित पौधों की गति को फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। प्रकाश के द्वारा प्रभावित पौधों की गति को, मूवमेंट को हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। इसके अतिरिक्त लेग्यूनोसी कुल के अधिकांश सदस्यों में पत्तियां दिन के समय अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में तो खुली रहती हैं, लेकिन रात के समय अर्थात प्रकाश की अनुपस्थिति में बंद हो जाती हैं। अधिकांश पौधों में पुष्प दिन के समय ही खिलते हैं व रात में बंद हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कैक्टस जैसे कुछ उदाहरणों में पुष्प केवल रात में अर्थात प्रकाश की अनुपस्थिति में ही खिलते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं लाइट के, कि प्रकाश में उनका जो है जो मूवमेंट है वो किस तरह से लाइट के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे पौध पुष्प जो है दिन में ही खिले रहते हैं नॉर्मली, रात में बंद हो जाते हैं, लेकिन कैक्टस जो है उनका उदाहरण है जिसमें पुष्प केवल रात में अर्थात प्रकाश की अनुपस्थिति में ही खिलते हैं। सूरजमुखी का अपन एग्जाम्पल लेते हैं को, तो सूरजमुखी का पुष्प प्रकाश की दिशा के अनुरूप ही अपनी स्थिति ग्रहण करता है। वो जो है प्रकाश के उसके लाइट के जो के अकॉर्डिंग जो सन फ्लावर है उसका मूवमेंट जो है वो डिपेंडेंट रहता है, जिस तरफ लाइट जाती है उस तरफ वो अपना फेस कर लेता है। तो उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रकाश की उपस्थिति या अनुपस्थिति का प्रभाव विभिन्न प्रकार की पादप गतिविधियों या प्लांट मूवमेंट्स पर स्पष्टतया दिखाई देता है।